नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। प्राप्त खबरों में पुलिस लाइन गाजीपुर सभागार में पुलिस जवानों के साथ सम्मेलन किया तथा सम्मेलन में शामिल लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा उसके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद व कप्तान रामबदन सिंह द्वारा अपराध की गोष्ठी की गयी। अपराध गोष्ठी में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी थानाध्यक्षों थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सभी को सख्त निर्देश दिया गया कि बॉर्डर एरिया में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त निगरानी की जाए। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कदापि न बख्शा जाए। सभी थाना प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए आदेशित किया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी अपराध घटित न होने पाए, अपराधियों के विरुद्ध सख्त एवं कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर गाजीपुर से। चार दिन मान के चलिए आप। हाँ, लेकिन मतगणना कराने के लिए लगातार